फिर लौट कर दो लोगों के प्रश्न भी हैं यहाँ पर, बिंदा सिंह जी हैं और प्रतिभा जी हैं, उनका प्रश्न हम लोग लौट कर लेते हैं। तो इन 7 स्टेप्स की बात हम लोग करते हैं एक बार। तो जैसा हम लोगों ने कहा कि पहला स्टेप जो है बहुत सिंपल है और बहुत महत्वपूर्ण है। पहले स्टेप में हम लोग अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देने का काम कर रहे हैं, अपनी कल्पनाशीलता के प्रति होश में आने का, उसके प्रति जागरूक होने का, उसके प्रति सजग होने का काम कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में तो हम लोगों ने यह बात कही है कि अभी सेल्फ एंड बॉडी है ना, दोनों के कोएग्जिस्टेंस में आदमी है, और इसमें अभी हम लोग पहले सेल्फ के द्वारा सेल्फ को समझने का काम करेंगे, फिर शरीर के साथ जो इंटरेक्शन है उसको भी समझने का काम करेंगे एक्सरसाइज 2 में। तो एक्सरसाइज 1 में सेल्फ के द्वारा सेल्फ को समझने का, स्वयं के द्वारा स्वयं को समझने का, मैं के द्वारा मैं को समझने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये बात भी कही थी कि इस काम को करते समय हम सीधा सीधा अपनी कल्पनाशीलता को देखना चाह रहे हैं, ध्यान देना चाह रहे हैं, है ना, उस पर हम ध्यान दे सकते हैं, हमारी योग्यता है अभी उस काम के लिए, तो वहां से शुरू कर सकते हैं। और ऐसा करते समय शरीर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आँख को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा अपने को देख सकते हैं, अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते हैं, इसलिए शरीर को और आँखों को आराम देंगे, जिस भी स्थिति में ये आराम में रहें उस स्थिति में रखेंगे, इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, है ना, वो बार बार अभ्यास कारण इन्वॉल्व कर देंगे हम इनको, लेकिन उसको करना नहीं है, इनको इन्वॉल्व करते हैं तो उसके अपने परेशानियां हैं, बट उस पर अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, अभी तो अपने द्वारा अपने पर ध्यान देने का जो काम है उसको विस्तार से देखेंगे। ये शरीर या आँख को जो इन्वॉल्व करते हैं उसकी जो प्रॉब्लम है वो बीच बीच में चर्चा में आ ही गई थी, आगे भी आ जाएगी। तो इन 7 स्टेप में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का काम कर रहे हैं और स्वयं की कल्पनाशीलता को देखने का काम कर रहे हैं, स्वयं में जो इच्छा विचार आशा चल रही है, जो भाव विचार चल रहा है उसको देखने का काम कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में अपने कल्पनाशीलता के प्रति होश में आने का, सजग रहने का, जागरूक रहने का काम कर रहे हैं। तो इस क्षण जो भी कल्पनाशीलता चल रही है उसको देख रहे हैं, जो भी भाव विचार चल रहा है उसको देख रहे हैं, जो भी इच्छा विचार आशा चल रही है उसको देख रहे हैं, सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं, होश में रहने का काम कर रहे हैं, अभी उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। कोई अच्छी कल्पनाशीलता चल रही है, अच्छा भाव विचार आ रहा है तो भी ठीक है, कोई विरोधी भाव आ रहा है, विरोध का विचार आ रहा है इस क्षण, तो वो भी ठीक है, हम उसको अभी हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, ना बनाए रखने का प्रयास करेंगे, तो ना तो अच्छे भाव को बनाए रखने का प्रयास करेंगे, ना खराब भाव को हटाने का प्रयास करेंगे, जो भी आ रहा है, जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है उसको देखेंगे, उसको देखेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे बिना कोई प्रतिक्रिया के। ये काम हम लोग स्टेप 1 में कर रहे हैं। ये काम बहुत सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल इसलिए है क्योंकि ध्यान देने की क्षमता हमारे में है ही, कल्पनाशीलता चल ही रही है, हमको सिर्फ निर्णय लेना है कि मुझे अपने कल्पनाशीलता पर ध्यान देना है। ये निर्णय लेते हैं तो हम अपनी कल्पनाशीलता को देख पाते हैं, अपने भाव विचार को देख पाते हैं। महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि आगे जो भी 7 स्टेप पे काम होना है वो कल्पनाशीलता पे ही काम होना है, भाव विचार पे ही काम होना है, इसलिए उसके प्रति होश में आना जरूरी है, उसके प्रति सजग होना जरूरी है। आगे ये भी देखेंगे कि इस भाव विचार के आधार पर ही हम सुखी दुखी होते हैं, इसलिए अपने में सुख की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए भी अपने कल्पनाशीलता को देखना, अपने भाव विचार को देखना आवश्यक है। तो स्टेप 1 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जहां से हम शुरू करते हैं, ये फाउंडेशन है, आधार है ना, जहां से आगे के सारे स्टेप्स पर काम हो सकता है। अगर स्टेप 1 का काम ठीक से नहीं हुआ तो आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए जब आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे तो ये बार बार ध्यान में आया होगा कि जब भी आगे के स्टेप में जाकर कहीं हम फंसते हैं तो लौट कर स्टेप 1 में आ जाते हैं।
स्टेप वन जो है वो एक तरह का एंकर है जिसके भरोसे आप हमेशा है ना तूफान में भी डटे रह सकते हैं। वो जो लंगर डालते हैं ना, जब समुद्र में तूफान आता है तो जहाज जो है अपना लंगर डाल देते हैं, उस लंगर के आधार पर टिका रहता है चाहे कितना भी आंधी तूफान आए। तो ये जो स्टेप वन है वो लंगर की तरह है हमारे लिए, एंकर की तरह है। तो जब भी ऊपर के स्टेप्स में काम करते समय कठिनाई आने लगे, वहां पर बहुत उथल पुथल होने लगे, तो वापस स्टेप वन पर आने, सिर्फ कल्पनाशीलता को देखने का काम करें, भाव विचार को देखने का काम करें बिना कोई प्रतिक्रिया किए। तो इसके संदर्भ में एक बात हम लोगों ने ये कही थी कि स्टेप वन जो है बहुत सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ना। सिंपल है, उसको करने जाते हैं तो हम कर पाते हैं, लेकिन एक कठिनाई जो आती है वो ये है कि थोड़ी देर में हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि ध्यान कहीं और चला जाए तो उससे परेशान नहीं होना है, जोर जबरदस्ती करके ध्यान को वापस नहीं लाना है, सिर्फ देख लेना है कि हमारा ध्यान कहीं और चला गया, और इस निर्णय को बनाए रखना है कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता को ही देखना है, अपने भाव विचार पर ही ध्यान रखना है, तो थोड़ी देर में ध्यान अपने आप वापस आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि हम बहुत सारी चीजों को महत्वपूर्ण मान रखे हैं, बाहर की चीजों को, अपने को महत्वपूर्ण माना नहीं है, इसलिए बार बार बाहर की चीजों पर ध्यान जाता है। अब धीरे धीरे हमको अपनी महत्ता समझ में आएगी तो अपने पर भी ध्यान जाने लगेगा। तब तक ध्यान बढ़ रहा है, भाग रहा है, भाग जाने दें, उसके साथ कोई खींचातानी ना करें, कोई विरोध ना करें, देख लें कि ध्यान कहीं और चला गया है, अपने निर्णय को बनाए रखें कि हमको अपने पर ध्यान देना है, तो वापस ध्यान अपने पर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टेप वन पर काम हम लोग करेंगे, और जैसा मैंने कहा कि हर क्षण इस काम को करना है, क्योंकि हर क्षण कल्पनाशीलता चल रही है, हर क्षण भाव विचार चल रहा है, और उसके आधार पर हर क्षण हम सुखी दुखी हो रहे हैं, और हर क्षण हम सुखी होना चाहते हैं, इसलिए हर क्षण हमारा भाव विचार सही चले इसको सुनिश्चित करना है, इसलिए हर क्षण हमारे भाव विचार का हम मूल्यांकन कर सके ये जरूरी है, और उसके लिए ये जरूरी है कि हर क्षण हम अपने भाव विचार पर ध्यान बनाए रखें, जो कि हम स्टेप वन में कर रहे हैं। तो एक बार हमारा ध्यान टिकने लगे अपने पर, अपने भाव विचार पर बिना कोई प्रतिक्रिया किए, तो स्टेप दो और तीन में हम लोग इन भाव विचार का मूल्यांकन करने का काम करेंगे। तो स्टेप दो में हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव है, संबंध का भाव हो, विरोध का भाव हो, ये भाव हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, ये भाव मेरे लिए सहज है कि नहीं, इस भाव की मैं निरंतरता चाहता हूं कि नहीं, ये प्रश्न अपने से पूछना है, अपने में जांच परख करना है। और स्टेप थ्री में ये पूछना है कि इस भाव के साथ मैं अपने में आराम में हूं या परेशान हूं, संगीत में हूं या अंतर विरोध में हूं, सुखी हूं या दुखी हूं। उसको और संक्षेप में पूछेंगे तो इस भाव, ये भाव हमारे लिए सुखद है कि दुखद है। तो स्टेप टू में ये पूछ रहे हैं कि ये भाव सहज है या असहज। स्टेप तीन में पूछ रहे हैं कि भाव सुखद है कि दुखद है, इतना काम कर रहे हैं। स्टेप दो में ये जांच परख कर रहे हैं कि ये जो भाव इस क्षण मेरे में है, ये सुखद, ये सहज है या असहज है। स्टेप तीन में पूछ रहे हैं कि ये भाव हमारे लिए सुखद है कि दुखद है, मतलब इस भाव के साथ मैं अपने में सुखी होता हूँ या दुखी होता हूँ। तो ये जब हम जांच परख करते हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है वो सहज है कि असहज है, सुखद है कि दुखद है, तो इससे जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये आता है कि जब भी मेरे में कोई सहज भाव होता है
तो वो मेरे लिए सुखद होता है। जब भी मेरे में कोई असहज भाव होता है वो मेरे लिए दुखद होता है। तो सहज भाव के साथ हम सुखी होते हैं, असहज भाव के साथ हम दुखी होते हैं। सहज भाव के साथ सुखी होते हैं, असहज भाव के साथ दुखी होते हैं। इससे आगे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारे भाव विचार के आधार पर हम सुखी होते हैं दुखी होते हैं। अपने भाव विचार के आधार पर हम सुखी होते हैं दुखी होते हैं। बाहर की स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारा भाव बिगड़ता है तो हम दुखी होते हैं, हमारा भाव सही होता है तो हम सुखी होते हैं। तो अभी जो टीचर का उदाहरण हम लोग ले रहे थे ना, कि घर में हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई परेशानियां नहीं होती। स्कूल में बच्चों के साथ बात कर रहे हैं क्लासरूम में, तो भी परेशानी महसूस नहीं करते। लेकिन जैसे ही टीचर के बीच में या अधिकारी के बीच में हम बात रखने जाते हैं तो अंदर बहुत सारी उथल पुथल चलती है। अब इसको अगर देखेंगे तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो बच्चे हैं जिनके साथ हम क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके प्रति हमारा विरोध का भाव नहीं है, अपोजिशन का भाव नहीं है, संबंध का भाव है, इसलिए हम आराम में। ये दूसरे टीचर के साथ या अधिकारी के साथ हमारे अंदर कहीं ना कहीं विरोध का भाव है और इसलिए हम परेशान हैं, अपने में उलझे हुए हैं, परेशानी में हैं, दुखी हैं, रिएक्शन में हैं। तो मेरा भाव विचार जैसा चलता है उसके आधार पर हम सुखी दुखी होते हैं, बाहर की स्थितियां अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल। तो ये निष्कर्ष निकलता है स्टेप 2 और 3 पर ठीक से काम करने, और काम क्या करना है, इतना ही काम करना है कि स्टेप 2 में पूछना है कि ये जो भाव मेरे में है इस क्षण, ये सहज है असहज है। स्टेप 3 में पूछना है ये सुखद है दुखद है। निष्कर्ष क्या है, सहज भाव के साथ हम सुखी होते हैं, असहज भाव के साथ हम दुखी, इसलिए अपने भाव विचार के आधार पर हम सुखी दुखी होते हैं, इतना निष्कर्ष। ये निष्कर्ष निकल जाए तो स्टेप 4 में अब हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये जो हम सुखी दुखी हो रहे हैं उसका कारण यह है कि मेरा भाव विचार सही गलत हो रहा है। तो अब इस बात को जांच कर देखें कि मेरा जो भाव इस क्षण है उस भाव का को तय किसने किया, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। मेरे में अगर इस क्षण संबंध का भाव है तो किसने तय किया, इस क्षण मेरे में विरोध का भाव है तो किसने तय किया। तो 3 संभावना बनती है। एक तो संभावना यह है कि दूसरे व्यक्ति ने तय किया, दूसरी संभावना यह है कि किसी बाह्य परिस्थिति ने तय किया, भौतिक रासायनिक परिस्थिति ने तय किया, और तीसरी संभावना है कि मैंने स्वयं तय किया। तो इस बात को जांच कर देखना है कि इस क्षण मेरे में जो भाव विचार चल रहा है उस भाव का निर्णय किसने लिया, बाह्य परिस्थितियों ने लिया, दूसरे व्यक्ति ने लिया, या मैंने स्वयं लिया। इसको जांच कर देखते हैं तो यह पता लगता है कि बाह्य परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरे में इस क्षण क्या भाव विचार चलेगा उसका निर्णय तो मैं ही लेता हूं। उसके उदाहरण के रूप में हम लोगों ने लिया था कि अगर मैं किसी कोई जो है मेरे को अपशब्द प्रयोग करता है, कोई गाली का प्रयोग करता है और हमारे कान में गाली पड़ती है, हम उसको सुनते हैं। अब उस गाली के शब्द के आधार पर मैं अपने में विरोध का भाव पैदा करूंगा या उसके प्रति दया का भाव आएगा मेरे में, ये निर्णय तो मेरा ही है। दोनों संभावना है इसमें। अगर मैं ये देखता हूं कि ये आदमी परेशान है, बीमार है, सन्निपात हो गया है, उसके तहत बड़बड़ा रहा है वो,
या शराब पिए हुए, इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है, तो हमारे को उसके प्रति दया आती है। अगर हमको लगता है कि वो मेरे को अपमानित करने के लिए कह रहा है तो मेरा उसके प्रति विरोध का भाव आता है। तो जहां तक शब्द देखेंगे तो वही है, लेकिन मैं किस दृष्टि से उसको देख रहा हूं उससे तय होता है कि मेरा उसके प्रति दया का भाव आएगा या विरोध का भाव आएगा। तो इस बात को अपने में देखना है कि ये जो भाव विचार इच्छन मेरे में बन रहा है उसका निर्णय अंततोगत्वा तो मैं ही लेता हूं, बाह्य परिस्थिति या दूसरा व्यक्ति मेरा सिर्फ ध्यानाकर्षण करा सकता है, मेरे में इस प्रक्रिया को शुरू कर करा सकता है, लेकिन निर्णय तो हमारा ही है, निर्णय तो हमारा ही है। इस बात को ठीक से देखना है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हमको ये दिख जाए कि अपने भाव विचार का निर्णय मैं स्वयं लेता हूं, और ये बात तो दिखी गई है कि अपने भाव विचार के आधार पर ही मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, तो इन दोनों को जोड़कर देखेंगे तो पता लगता है कि अपने सुख दुख का निर्णय मैं स्वयं लेता हूं, अपने सुख दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। इसको थोड़े समय तक देखेंगे तो क्लियर होता है कि भाई अपने सुख दुख के लिए तो मैं 100% खुद ही जिम्मेदार हूं। ये बात दिखना बहुत जरूरी है, ये बात दिखना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने पर काम करने को तैयार होते हैं, अपने में परिमार्जन करने को तैयार होते हैं। अन्यथा अभी हम ये माने रहते हैं कि दूसरे के कारण हमारा भाव बिगड़ा है, बाह्य के परिस्थितियों के कारण मेरा भाव बिगड़ा है, इसलिए दूसरा मेरे दुख के लिए जिम्मेदार है। तो ये स्टेप 4 में इस बात को देख लेना बहुत जरूरी है कि अपने भाव विचार का निर्णय अंततोगत्वा तो मैं स्वयं लेता हूं, बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी, और उस भाव विचार के आधार पर मैं सुखी दुखी होता हूं, इसलिए अपने सुख दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूं। और धीरे धीरे हम ये देख पाएंगे कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूं। हर क्षण में जो भाव विचार का निर्णय ले रहा हूं उसमें मेरा अधिकार है ना, सही भाव के पक्ष में निर्णय लेने का, सुखद भाव के पक्ष में निर्णय लेने का, बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी। ये अगर दिख जाए ठीक से हमको तो इससे बहुत महत्वपूर्ण दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मुझे दिख जाता है कि भाई मेरे में ही प्रॉब्लम है, मैं अपने गलती के कारण ही दुखी हो रहा हूं, मैं खुद ही अपना भाव विचार बिगाड़ कर दुखी हो रहा हूं, है ना, जबकि मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं। इसलिए मुझे अपने पर काम करने की जरूरत है, अपने परिमार्जन की जरूरत है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो मैं अपने पर काम करने को तैयार होता हूं, अपने में सुधार करने को तैयार होता हूं। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि मैं ये देख पाता हूं कि मेरे दुख के लिए दूसरा ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। दूसरे से कुछ गलती हो सकती है लेकिन अपने दुखी होने के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूं, सुखी होने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं ही अपने भाव विचार का निर्णय अंततोगत्वा लेता हूं। तो ये जो दूसरे के प्रति शिकायत थी कि दूसरे के कारण मैं दुखी हो रहा हूं, उस शिकायत से हम मुक्त होते हैं और अपने में बदलाव लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होते हैं। ऐसा होता है तब पहली बार बदलाव की संभावना बनती है, ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना बनती है, जब मैं अपने में जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि मुझे अपने को बदलना है, अपने को सुधारना है, तो मैं अपने में सुधारने के लिए काम कर पाता हूं, तब दूसरा व्यक्ति भी मेरे लिए सहयोगी हो पाता है। अभी क्या है, अभी तो मैं सोचता हूं कि मैं तो ठीक ही हूं, ये दूसरा व्यक्ति गड़बड़ है, उसको ठीक होना है। दूसरा भी यही सोचता है कि वो ठीक है, मैं गड़बड़ हूं, मुझे ठीक होना है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूं, वो मुझको ठीक करना चाहता है, लेकिन हम दोनों ही खुद ठीक होने को तैयार नहीं है, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। एक बार स्टेप 4 में ये दिख जाए कि अपने सुख दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, ठीक, इसलिए अगर मैं अभी भी दुखी हो रहा हूं तो मुझे अपने पर काम करने की जरूरत है,
मैं अपने को बदलने को तैयार होता हूँ। ठीक, दूसरा अगर ऐसा कोई प्रयास कर रहा होता है तो उसको मैं सहयोग करता हूँ कि भाई ठीक है, आप हमको सुधार में सहयोग कर रहे हैं, बदलाव में सहयोग कर रहे हैं, तो मैं उस सहयोग को लेने को तैयार होता हूँ। अगर दूसरे को भी स्पष्ट है तो वो भी ऐसा कर पाता है, वो भी अपने को बदलने को तैयार रहता है। तब मैं कोई प्रयास करता हूँ तो वो सब सहयोगी हो जाता है उनके लिए। तो स्टेप चार का स्पष्टता अगर आ जाए कि अपने सुख दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, तो हम खुद भी अपने में बदलाव लाने को तत्पर रहते हैं। दूसरा कोई भी हमारा सहयोग करता है तो उस सहयोग को स्वीकार, तो बदलने की संभावना बनती है। अन्यथा अभी जो चल रहा है उसमें कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि मैं अपने को ठीक मानता हूँ, मैं आपको ठीक करना चाहता हूँ, आप अपने को ठीक मानते हैं, मुझे ठीक करना चाहते हैं, ना मैं खुद ठीक होना चाहता हूँ ना आप खुद ठीक होना चाहते हैं, इसलिए कुछ ठीक होने का काम शुरू नहीं। तो ये काम हम लोग चार स्टेप चार में कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि इससे पहली बार हमको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार होती है, पहली बार हम अपने में बदलाव के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होते हैं। तब आगे कुछ हो सकता है, अन्यथा आगे कुछ होता नहीं है, फिर विरोधी विरोध होता है। हम आपको बदलना चाहते हैं, आप हमको बदलना चाहते हैं, ना हम बदलने को तैयार है ना आप बदलने को तैयार है, फिर लड़ाई झगड़ा ही होता है। तो अगर स्टेप फोर में दिख जाए कि हमको स्वयं को बदलना है, तो स्टेप पांच छह और सात में हम लोग इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि क्या बदलना है, बदलने के लिए क्या करना है। तो स्टेप पांच में ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जो निर्णय हमने लिया अपने भाव विचार का, जो सही गलत हुआ, सुखी दुखी हुए, जिसके आधार पर हम, इस निर्णय लेने का आधार क्या है हमारा, क्योंकि अगर गलती हो रही है तो उसका कुछ कारण होगा, क्यों गलती हो रही है, या ठीक हो रहा है तो क्यों ठीक हो रहा है। तो ये बात हम पूछ रहे हैं कि हमारे में जो भाव विचार स्थान बना, जिसका निर्णय मैंने स्वयं लिया, उस निर्णय का आधार क्या है, किस आधार पर मैं निर्णय लेता हूँ, उसको देखने जाते हैं। तो ये पता लगता है कि या तो मैं उस वास्तविकता को, जिसके संदर्भ में मैं अपने भाव विचार की बात कर रहा हूँ, या तो उस वास्तविकता को मैंने समझा है, या समझ के अभाव में उसके बारे कोई मान रखा, कुछ मान लिया है। तो जैसे मैं एक व्यक्ति के संदर्भ में अपने भाव विचार का निर्णय कर रहा हूँ, इस व्यक्ति के प्रति मैं विश्वास का भाव रखूं या अविश्वास का भाव रखूं, स्नेह का भाव रखूं या द्वेष का भाव रखूं। ठीक, ऐसा निर्णय जब हम करने जाते हैं तो उस निर्णय का दो आधार हो सकता है, या तो मैंने अपने को समझा है और इस दूसरे व्यक्ति को समझा है, तो उस समझ के आधार पर निर्णय लेते, या मैंने समझा नहीं उस व्यक्ति को, उसके बारे कुछ मान लिया है, तो उस मान्यता के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो इस बात को हम लोगों ने उदाहरण से स्पष्ट किया था, लेकिन मैं फिर से उसको याद दिला देता हूं। तो अगर मैंने स्वयं को समझा है और दूसरे व्यक्ति को समझा है, मानव के रूप में देखा है दोनों को, तो मेरा हर एक के प्रति विश्वास का भाव बनेगा, सम्मान का भाव बनेगा, स्नेह का भाव बनेगा। ठीक, जो मेरे लिए सुखद होगा। तो सही समझ के आधार पर मैं सही भाव के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ, सहज भाव के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ, सुखद भाव के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ, ये निश्चित है, ये डेफिनेट है। समझ के अभाव में जब मैं मान्यता के आधार पर निर्णय लेता हूँ, तो मेरा भाव विचार मान्यता के आधार पर बनता है। अगर मान्यता सही है तो सही भाव के पक्ष में निर्णय लेता हूँ, मान्यता गलत है तो गलत भाव के पक्ष में निर्णय ले लेता हूँ। सही भाव के पक्ष में निर्णय लेकर सुखी होता हूँ, गलत भाव के पक्ष में निर्णय लेकर दुखी होता हूँ, तो इस तरह से मैं सुखी दुखी होता रहता हूँ। तो अगर एक आदमी मेरे सामने है और उसको मैंने किसी एक संप्रदाय का मान रखा है, अपने को किसी और संप्रदाय का मान रखा है,
तो जिस संप्रदाय का वो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ, उस संप्रदाय के साथ अगर हमारे संप्रदाय का विरोध है तो मैं उसके प्रति विरोध का भाव रखता हूँ, इस आधार पर दुखी होता हूँ। अगर मैं उसको अपने संप्रदाय का मानता हूँ तो उस संप्रदाय के होने के आधार पर उसके प्रति मैं स्नेह का भाव रखता हूँ, उस भाव के साथ सुखी होता हूँ। तो जो हमारी मान्यता है उसके आधार पर मैं अपने भाव विचार का निर्णय ले रहा हूँ। ऐसा जब हम करते हैं तो मान्यता सही होगी तो सही भाव के पक्ष में निर्णय लेते हैं, गलत होती है तो गलत भाव के पक्ष में निर्णय लेते हैं। इससे हमारा भाव विचार निश्चित नहीं होता, मान्यता पर निर्भर करता है। सही समझ के आधार पर जब निर्णय ले रहे हैं तो फिर वो मान्यता पर निर्भर नहीं कर रहा है ना, वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, वो निश्चित है, और इसलिए हम सही भाव के पक्ष में निर्णय ले पाते हैं, सहज भाव के पक्ष में निर्णय ले पाते हैं, सुखद भाव के पक्ष में निर्णय ले पाते हैं। तो स्टेप 5 को अगर ठीक से देखेंगे तो ये निष्कर्ष निकलता है कि हम अपने समझ या समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेते हैं। ये भी स्पष्ट होता है कि समझ के आधार पर जो निर्णय है वो सहज सुखद भाव के अर्थ में है। समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर जो निर्णय है उसमें निश्चितता नहीं है। मान्यता सही होगी तो सहज सुखद भाव के पक्ष में निर्णय होगा, मान्यता गलत होगी तो असहज दुखद भाव के पक्ष में निर्णय। इन सब से जो एक मुख्य निष्कर्ष निकलता है वो यह है कि अगर हम अपने भाव को सहज सुखद बनाना चाहते हैं, उसकी निश्चितता चाहते हैं, तो उन वास्तविकता को समझना जरूरी है जिनके साथ हमारा जीना हो रहा है। और चूंकि हमारे जीने का फैलाव पूरे अस्तित्व तक है, इसलिए पूरे अस्तित्व तक को हमको समझना जरूरी है। उस अस्तित्व में कौन से भाव हमको सहज स्वीकार है, कौन से नहीं है, इसको समझना जरूरी है। कौन से भाव हमारे लिए सहज और सुखद हैं, कौन से भाव हमारे लिए सहज और सुखद नहीं है, इस बात को देखना जरूरी है। उसको हम लोग स्टेप 6 में देख रहे हैं। स्टेप 6 में इसी बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है सुखद है, कौन सा भाव असहज है दुखद है। तो स्टेप 6 के पार्ट ए में हम लोग अपने से पूछ रहे हैं कि भाई हमको परस्परता में कौन सा भाव सहज स्वीकार होता है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, संगीत का भाव व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, सहअस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव, कौन सा भाव हमको सहज स्वीकार होगा, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, सहअस्तित्व का या संघर्ष का, इस बात को हम लोग छठे स्टेप के पहले भाग में पूछ रहे हैं। आप अपने से पूछ कर देखिए कि कौन सा भाव आपको सहज स्वीकार है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, सहअस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव। इसको जानते हैं तो यह दिखता है कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ही हमको सहज स्वीकार होता है, वही भाव हमारे लिए सहज है सुखद है, ना कि विरोध का, अव्यवस्था का या संघर्ष का। इस बात को हम लोग स्टेप 6 में देखने का काम कर रहे हैं और इसको बार बार देखते रहना जरूरी है, क्योंकि जितना जितना ये स्पष्ट रूप से दिखेगा उतना उतना स्टेप 7 में जो काम होना है वो सहजता से हो पाएगा। तो एक काम तो ये कर रहे हैं स्टेप 6 में, दूसरा ये कह रहे हैं कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है सुखद है, इसलिए इन भावों को समझने का काम हम लोग करेंगे, संबंध को, व्यवस्था को, सहअस्तित्व को समझने का काम करेंगे। वो 6B का पाठ है जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिस पर हम लोग बहुत समय से काम कर ही रहे हैं, पिछले 5 साल 10 साल 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, तो उस काम को जारी रखेंगे। लेकिन इतना बात तो हमको दिखे जाता है 6A में कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है सुखद है, न कि विरोध अव्यवस्था और संघर्ष का भाव। ये बात जितना जितना हमको दिखेगा
उतना उतना स्टेप सात में जो काम हम लोग को करना है उसको हम लोग कर पाएंगे। और स्टेप सात का काम बहुत सिंपल है। स्टेप का सात का काम यह है कि एक बार हमको दिख गया कि संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ये हमारे लिए सहज है, सुखद है, तो अब हर क्षण हम इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है वो संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, सहस्तित्व के अर्थ में है, अन्यथा नहीं है। तो स्टेप सेवन में इतना ही काम कर रहे हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव विचार चलना है उसका निर्णय मैं इसी आधार पर लेता हूं कि ये भाव मेरे लिए सहज है, सुखद है। तो संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, सहस्तित्व के अर्थ में है, अन्यथा नहीं है। इतना काम स्टेप सात में करना है। जितना जितना हम इसको कर पाते हैं उतना उतना हम अपने में आराम में रहते हैं, संगीत में रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो स्टेप सात में ये कर रहे हैं कि हर क्षण में अपने भाव विचार को संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में सुनिश्चित करता हूं। और चूंकि ये भाव मेरे लिए सहज है, सुखद है, इसलिए इस भाव के साथ में अपने में आराम में रहता हूं, संगीत में रहता हूं, सुखी रहता हूं। इस काम को मैं हर क्षण कर पाता हूं तो हर क्षण मैं अपने में आराम में रह सकता हूं, संगीत में रह सकता हूं, सुखी रह सकता हूं, अपने में निरंतर सुख को सुनिश्चित कर सकता हूं। इतना हमारे लिए करने का काम है। यही हमारा लक्ष्य था, निरंतर सुखी होना। तो स्टेप सात में अगर हम इस काम को कर सके कि हर क्षण मेरे में जो भाव बन रहा है उसको मैं संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में बना सकूं, तो मैं हर क्षण अपने में आराम में रह सकता हूं, संगीत में रह सकता हूं, सुखी रह सकता हूं, हर क्षण सुखी हो सकता हूं, बाहर की परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल। तो इतना काम स्टेप एक से सात तक करना है।